जो एक रूम था दिल के मकान में, आई एम सो सॉरी, मैं नाम थेरेपी रूम में जब मनारा को बुलाया गया था तो सलमान सर ने एक बात बोली थी कि शो में वो आपकी बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडस्ट्री में वो बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और अंकिता जी ने भी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा, अंकिता जी ने एक स्टेटमेंट दी थी खुलेआम पब्लिकली जब ये गपशप बाय द पूल का एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों को अगर टीवी वाले थोड़ा बहुत फेवर भी कर देंगे तो वो हमारा हक है। पता है वो शो अब तक जो 16 सीजन्स गए हैं वो कहीं ना कहीं फेयर रहे, सबके लिए इक्वल रहे, अपनी पर्सनालिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा ना, अगर आप पूरा शो ही विक्की भाई, अंकिता जी या मुनावर और मनारा पे बना देंगे तो बाकी लोग, मैं अकेला बंदा थोड़ी ना था। क्या रिंकू जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या जिगनाथ जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या क्या नील भाई की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या ऐश्वर्या जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? हम सारे लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, या हम सारे वो लोग वो थे जिन्हें चैनल को शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं था। आज जब मैं बाहर आया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी हैं कि किन के लिए बिल्कुल फेवरेटिज्म हुआ है। वो बात, अगर हम एक इक्वल गेम खेल रहे हैं ना, और हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसमें हम लोगों को सबको पैदल भागना है, और आपको घोड़े में बोल दिया कि घोड़े में भाग, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगा ना यार, कि यार इनको घोड़े में भागने के लिए बोल रहे हैं, हमें पैदल भागने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैंने अनफेयर का पॉइंट उठाया। जो मुझे उस टाइम फील हुआ मैंने वो बात अपनी सबके सामने रखी, जो मुझे फील हुआ, जो मैं रियल था, मैंने वो हमेशा सबके सामने वो मुद्दा रखा। Also, ये ना आपका क्रिएटिव के साथ बाहर इविक्शन के बाद, आपका, आपने कहा कि आपका अनफेयर इविक्शन हुआ है, आपका क्रिएटिव के साथ बाहर आने के बाद फाइट भी हुआ है, सो डू यू थिंक वो जस्टिफाई करता है आपका फाइट करना क्रिएटिव के साथ? बिकॉज एट द एंड सबको बाहर आना है। इनफैक्ट आपने तभी क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब नील को विदाउट एनी रीजन बाहर निकाला गया? मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। एंड मैं पूरी न्यूज़ में जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना, मैंने सबका थैंक यू बोला है। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने, जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ़ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे, और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं शो के लिए, कितना कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़ मैं पूरी फोटोनिटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस सिचुएशन से गया हूँ अंदर जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया कि तेरे घर वाले, तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था, मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था, वो ये बात इसलिए नहीं मुझे बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये बात मुझे बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे काम में डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि यार मेरे माँ बाप शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब है। आपको पता है, आपको कई दफ़ा अनुराग घर में ये बोलता हुआ सुना है कि आप मुनावर को लाइक नहीं करते, यू डोंट लाइक मुनावर फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं जो ये चीज़ें घर के अंदर तक चली गई, ऐसा क्या पर्सनल? एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविजन पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। तो घर के अंदर हुई ना, आपने कहा कि मैं बाहर से ही मैं उस चीज़ को ही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है,
मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता. मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते. बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो. दैट वॉज दी ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे वन से ऑपोजिट था कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता. तो दिस वॉज दी ओनली पॉइंट मैं उससे अलग था फ्रॉम डे वन. बिल्कुल, मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना. जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था वो घर के बाहर से ही मुझे पता था. तो मैं इसी एक रीजन था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी. बिल्कुल, यू नो मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ. एक कहावत बोलते थे घर वाले हमें बचपन में कि अच्छी संगत बनाओ. उसका मतलब पता है बहुत बाद में समझ में आता है. दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सही में आपको सही बता सके और जो आपके गलत में आपको गलत बता सके. मैं और मेरा और मनारा वो का वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है. हम दोनों एक दूसरे से लड़े भी हैं. दोस्त वही हैं जो यू नो आपको जब आप गलत जा रहे हो ना, जब मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुनावर के जो वो प्रेम जाल जो वो ऑलरेडी लड़कियों के साथ करता हुआ आया पूरे सीज़न, पिछले शोज़ में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि ये कार्ड खेला गया था. पहले आयशा का नाम कहीं ना कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाजिला के साथ वो फ्लिप हुआ और उसके बाद जब मनारा के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसे आगाह करा था कि भाई ये चीज़ हो रही है तेरे साथ तो बी अवेयर ऑफ दैट. तो दोस्ती में खटपट रहती है बट असली दोस्त वही होते हैं जो आपको गलती पे बता सके कि भाई तू यहाँ पर गलत है, संभल जा. मैंने अभी शायद उसका आंसर करा है कि यू नो कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं वही बोला ना जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है. अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं. और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है. जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है. Also, ये जानना चाहेंगे अनुराग, आप घर में जब भी ईशा का मैटर हुआ था, समर्थ घर में आया था, जब अभिषेक के यू नो इमोशंस के साथ ईशा द्वारा खेला जा रहा था तभी किसी ने वो चीज़ों को पॉइंट नहीं किया. बट जैसे ही आयशा घर में आती है सब लोग एक साथ मुनव्वर पर यू नो टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये किया वो किया और लड़कियों के साथ खेला. बट Why not Aisha? Why not Isha? मतलब कि उन्हें नहीं टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी लड़के के इमोशंस के साथ खेला. क्यों? क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए. मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना तो ईशा ने डे वन से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं. उसने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. वो हमेशा से डे वन से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है. मुनावर नेशनल टेलीविजन पर बोल के आया था कि नाजिला मेरी करेंट गर्लफ्रेंड है. आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने दो दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी. तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलता कि मुझे तो इससे शादी करनी है. आपने हलाल मींस मतलब शायद शादी है राइट. बिल्कुल, तो हलाल का मीनिंग यू नो याद है आपको आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी यूज होता है राइट. मैं शादी निकाह के लिए बोला है. अगर नेशनल टेलीविजन पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविजन पर खोलूँगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी.
तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविजन में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, आप अब आपको पता है उस लड़की पे, मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया, तो आपने हमने भी ये चीज देखी है कि जब उन्होंने दो दिन मुनावर को ये सारी चीजें कही और उसके बाद तो वो खुद भी तो खेल रही थी ना चिड़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन्वॉल्व हो इसमें, वो खुद डिसाइड कर रही थी मुनावर आज तुम ये कपड़ा पहनोगे, मुनावर आज तुम वो कपड़ा पहनोगे। दूसरी बात, उन्होंने अभिषेक को ये भी कहा मैं कमिटेड नहीं थी, मेरी सिर्फ बात होती थी। अगर आप ये स्टेटमेंट आयशा के लिए ये चीज, कैन यू कम अप विद द क्वेश्चन अगेन प्लीज, जो स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन पूछा था, एक तो बहुत ज्यादा रिवॉल्वमेंट हो रही है। ये था कि ईशा का जब समर्थ अंदर आया, ये ईशा को आप लोगों ने, ये हो गया था, आपने आपने अभी एक मिनट पहले क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अनुराग जैसे के एंट्री हुई थी तो ईशा ने क्या बोला था कि मैं किसी से कमेंट नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, और फिर समर्थ का आना फिर कहना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट यहाँ पे मुनव्वर का तो ये फेस है ना कि मैं डेट कर रहा हूँ, भले वो नाम मेंशन गलत करो लेकिन एक पॉइंट है ना कि वो कमेंट है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ईशा ज्यादा गलत है और मुनव्वर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, यू नो, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनव्वर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये नो, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है, बट जब वो जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे, बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू चार गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। मैं मुनावर की बात कर रहा हूँ, उस घर के अंदर जो मैं घर की बात कर रहा हूँ। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के वार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने आई है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव, यू नो, मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी, बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी, मैंने कहा तू यहाँ पर करने के आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था, यू नो, जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला, मैंने कहा हाँ सर ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली वो निका राइट हलाल के लिए बोलेगा, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। हाँ, मैंने अभी शायद इतनी सारी फुटेजेस, मैं वो फुटेजेस नहीं देखी अभी के लिए, मेरे को उस चीज घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा गया।
ओके मेरे को मैं सीधा शो से अभी होटल से केवल आप मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला अभी मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुँचाई गई और पब्लिक तक पहुँचाई गई इट्स बिकॉज ऑफ यू यू नो आई रियली वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फ्रॉम द न्यूज़ फ्रेटर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा मेरा भाई ना डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़ आप समझ रहे हो मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ खत्म हो चुका है दुनिया में मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे हैं आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना तो मैं भी गाली देता मैं भी ये बोलता यार आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में जब आपको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं But really wanted to thank you everyone. सब लोगों ने साथ दिया शुक्रिया थैंक यू सर यहाँ पे सेंटर में या थैंक यू सर वेट 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 सर वेट अच्छा ले लो आज मैं जो लेट आया ना यहाँ पे थैंक यू कम थैंक यू सर फटना सो गया